बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। करियर टीवी के ऊपर खुश आमदीद नाजरीन। बहुत ही बड़ी वीडियो की अपडेट आप तक लेकर आया हूँ। बड़े डिपार्टमेंट के अंदर बड़ी भर्तियों की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के अंदर 2000 अफराद भर्ती होने जा रहे हैं, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है, जिसको रोजनामचे के अंदर भी लगा दिया गया है। जैसे कि आपको पता है, FIA जो है पाकिस्तान की बेहतरीन एजेंसियों में से एक एजेंसी है, जिसके अंदर हर साल उम्मीदवार भर्ती होने के ख्वाहिशमंद होते हैं FIA। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं। FIA में मज़ीद 2000 अफराद भर्ती करने का फैसला। उम्मीदवार को टेस्ट के 15 मिनट बाद ही नतीजा मालूम हो दिया जाएगा। वजारत ख़जाना से बजट जारी। इस्लामाबाद ऑनलाइन FIA 2000 से ज़ायद अफसरान और एहलकारों की भर्ती का असूल फैसला कर लिया गया है। नए अफराद को भर्ती करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और वजारत ख़जाना ने बाकायदा इजाज़त दे दी है। ये भर्तियाँ जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वसात से की जाएगी। भर्ती के लिए बाकायदा सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है, जिसके काबिल और अहल उम्मीदवारों को सिर्फ भर्ती किया जाएगा मेरिट की बुनियाद पर। सिफारिश वालों और रिश्वत वालों को नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है, जिसको अखबार में भी बता दिया गया है। जल्द से जल्द वैकेंसी आने वाली है, 1 ग्रेड से लेकर 15 ग्रेड तक की वर्चुअल यूनिवर्सिटी की साइट के थ्रू, जिसको फिल किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों, जैसी वैकेंसी अनाउंस कर दी जाएंगी, मैं अपने चैनल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी आपको अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्द वैकेंसियां आने वाली हैं FIA के अंदर 2000 से ज़्यादा, ठीक है। दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक किया करें, कमेंट करके बताया करें कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।